तो नमस्कार। पिछले दिनों मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में मुंबई जाने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, यह कार्यक्रम जुहू मुंबई स्थित हमारे एसपीबीटी मुंबई में सर सौरभ जी पोचखान वाला प्रशिक्षण संस्थान मुंबई में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वीं जन्मशती मना रहे थे, उनकी जन्म जयंती मना रहे थे, तो उसी दिन छुट्टी होने की वजह से पूरे साथी मिलकर हम लोग विरार के पास एक ब्लू वेव रिसॉर्ट जा रहे थे और एक पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। गांधी जयंती को हम लोग सत्य और अहिंसा के दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस जन्म जयंती को एक विशेष खास तौर पर स्वच्छता के रूप में भी मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। आज के इस खास दिन में हमारे साथ एक खास साथी, प्रतिभाशाली सीनियर साथी श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब हमारे साथ थे, जिनसे हमें बात करने का मौका मिला और उनकी बातचीत जो रही आज के दिन के बारे में, आइए आपको सीधे सीधे सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी हाँ, ये पूरा वीडियो देखिए और उनकी बातचीत मैं साझा कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, अभी हम लोग हैं मुंबई में और मुंबई में शानदार दिन की शुरुआत हुई है। और चलिए आप सीधे सीधे हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब से पूछ लेते हैं कि आपके आज का समय कैसा रहेगा। हर दिन का अपना महत्व होता है, मैं तो बोलता हूँ हर समय का जीवन में बहुत महत्व होता है। तो हमारे वरिष्ठ साथी पाटिल साहब, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, हमारे साथियों को ज़रा बताएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है और आज किस तरह से ये पूरा आज का दिन किस तरह से गुजरने वाला है साथियों के साथ। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो मैं आई एक्सटेंड टू माय ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू एसपीबीटी अथॉरिटी हु हैज़ अरेंज्ड ए ब्यूटीफुल ए वंडरफुल जर्नी और यू कैन से वंडरफुल टूर फॉर टुडे। नॉर्मली वी थिंक दैट लाइफ इज़ ए एंडलेस जर्नी, बट वी नेवर नो दैट विच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। Therefore, we need to share, care, love, respect and celebrate each moment of our life. मेरा इसमें यह कहना है कि जीवन की जो यात्राएं होती है, जीवन का जो सफ़र होता है, इसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक सफ़र वो होता है जिसमें हम निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के मनोरंजन को हासिल करने के वास्ते यात्राएं करते हैं, और निश्चित रूप से ऐसी यात्राओं में हमें जीवन में भरपूर चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर वो आपकी यात्रा किसी एक मंगलमय उद्देश्य से जुड़ जाए, अगर आपके उस उद्देश्य को हम देखें, तो आज का जो पावन दिन है, आज की जो एक महत्ता है, उसको हम समझ सकते हैं इस बात से कि आज भारत के, न केवल भारत के बल्कि विश्व के एक महान राजनेता, दार्शनिक और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति का जन्म दिवस है। आज हम पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और पूज्य बापू जिन मूल्यों के लिए जीवन भर जीते रहे, लोगों से आग्रह करते रहे कि हमें अपने जीवन में शुचिता लेकर के आना है, हमें अपने जीवन में सादगी लेकर के आना है, ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम और सबसे बड़ी बात पर्यावरण के प्रति हमारे मन में सम्मान अगर होगा, तभी निश्चित रूप से हम अपने इस पूरे विश्व को सुंदर बना सकते हैं, उसको स्वच्छ बना सकते हैं, उसको हम एक उत्तम दिशा दे सकते हैं, रहने योग्य बना सकते हैं। तो आज के दिन में मेरा ये आग्रह केवल ये लोगों से रहेगा कि हम लोग आज की इस यात्रा को मेमोरेबल यात्रा बना दें, अविस्मरणीय यात्रा बना दें। और यात्राएं जो होती है वो हमेशा एक ख़ास तरह के उद्देश्यों को लेकर के चलती है साथियों, और ये जो खास उद्देश्य होता है ये जीवन को एक ख़ास दिशा देता है, ख़ास आयाम देता है, ख़ास तरह की उसमें एक रोचकता आ जाती है। तो मेरा उसमें आग्रह यही है कि मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे आंखों से हटाती है। कभी किसी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। वाह वाह, बहुत बहुत पाटिल साहब की बातें जब होती हैं तो मन नहीं करता है हिलने का, वैसा लगता है कि सुनते रहो। अद्भुत प्रतिभा है सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के दिन में भी एक शिक्षा मिल रही है लोगों को, तो ये कौन सी शिक्षा मिलेगी? जैसे हॉलीडे में आए हैं, जहाँ तक मैं समझा फ़न के लिए आए हैं, लेकिन इसमें से क्या निचोड़ निकलेगा, क्या शिक्षा होगी जो हमारे फैकल्टी साथी आए हैं, उनको अपने जीवन में कैसे इसको महत्व बढ़ा सकते हैं आज के? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विजय जी। मैंने शुरू में कहा कि यात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो निरुद्देश्य होती है और दूसरी स्वदेश होती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज की जो यात्रा है वो बड़ी ही स्वदेश यात्रा है।
when the journey is integrated with any purpose, then definitely it creates enormous energy in our life to shape our dreams, our desires, our aspirations, our goals in our life. And ultimately, it will help to improve the performance of our mother organization. So I believe that after completing this journey, everybody will be energized, everybody will be inspired to do something for our mother organization, and it will be a great helpful. It will be a great help to our mother organization, I would say. जी पाटिल साहब, आज का दिन बहुमूल्य है क्योंकि आज सभी लोग एक संकल्प लिए हुए हैं भारत में और पूरे विश्व में भी लोग इस फैलेगा कि संकल्प लिए अपने आसपास जितने भी कचरे हैं उनको हटाया जाए, गंदगी हटाई जाए, स्वच्छता को अपनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बीच में अपने अंदर भी कुछ गंदगी, कुछ स्वच्छता है, उसको भी स्वच्छ करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। इस पर आपके विचार क्या हैं? बहुत अच्छी बात कही विजय जी आपने। गांधी जिन मूल्यों के लिए लड़ते रहे, उन मूल्यों में मैंने आपसे कहा कि पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति केवल बाहर की चीज़ों को एक प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करता रहा तो उसे ठीक है कि पर्यावरण में स्वच्छता हो सकती है, लेकिन पर्यावरण की स्वच्छता कुछ और नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की स्वच्छता का ही प्रतीक होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक हम अपने अंतर्मन को स्वच्छ न रखें, उसको साफ़ सुथरा न रखें, तब तक हमारी बाहरी जो स्वच्छता होगी वो केवल एक कोरी, एक फिलॉसफी होगी और उसमें किसी प्रकार की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, कोई प्रामाणिकता नहीं होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जिन मूल्यों के लिए जीवन पूरा जीवन जीते रहे हैं, उन मूल्यों को हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। उन मूल्यों के प्रति अगर हमने सच्ची एक आत्मसात करने की एक संकल्प शक्ति हमने आज जाहिर की, तो ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति सच्चा आदर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर बहुत अच्छी बात कही सर। मैं तो कहता हूँ जिस तरह हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हम अपने घर को, अपने मन को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भी अपने घरों को स्वच्छ करना, आप भी अपने घरों को स्वच्छ करना आज का संदेश है। और हम लोग यहाँ एक बहुत ही प्यारे से जगह में, आप पीछे देख सकते हैं, बढ़िया रिसोर्ट में आए हुए हैं। रिसोर्ट का नाम है वेव रिसोर्ट, ब्लू वेव रिसोर्ट, और हमारे तमाम साथी पूरी तरह से तैयार हैं उस रिसोर्ट को एंजॉय करने के लिए। और हमने पाटिल जी से निवेदन किया कि सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमसे साझा करिए अपने विचार। तो पाटिल साहब आपने मैं एक और छोटी सी बात कह करके अपने बातचीत को समाप्त करना पसंद करूंगा। कहना है कि अगर आपका मन स्वच्छ है ना जी, तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होता है वो बाहरी जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे भविष्य में बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। और हमें अपनी मंजिल की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं होती, मंजिल खुद ब खुद जो होती है वो इंसान के पास में आती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मंजिलें खुद बुलाएंगी, मंजिलें खुद बुलाएंगी तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं, यूं ही गुजर जाऊंगा। क्या तो पाटिल साहब जब भी बोलते हैं कोई अच्छे विचार ही मन में आते हैं, और हमेशा हर कोई, कल भी मैंने देखा आपको सब गुरु कह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे गुरु साथ में हो, ऐसा सानिध्य साथ में हो, तो हर पल सीखने मिलता है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहता है, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। जीवन का मजा जिसको बोलते हैं, उससे एक नशा आता है, एक अच्छे विचार आते हैं। तो ये हैप्पी हार्मोन जो बात कह रहे थे सर, मैं चाहूँगा कि वो साथियों को बताएं कि किस तरह का वो हार्मोन रिलीज़ होता है ऐसे मौसम में। देखिए, ये ऐसा मौसम जो होता है वो लोगों को न केवल जोड़ता है बल्कि आपके अंदर में भी एक तरह की एनर्जी, एक तरह का जो इंस्पिरेशन है वो क्रिएट करता है। क्योंकि इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, उसके साथ ही साथ अगर समान विचार वाले लोग मिलते हैं, समान तरह के संकल्प लेकर के एक साथ चलने वाले लोग मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो आनंद होता है ऐसे समय में जब लोगों के साथ में आप एक एक पल, एक एक क्षण जो आप शेयर करते हैं, उसका आनंद जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से इस तरह का जो आपको कई गुना बढ़ करके जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो हमारे जीवन की एक आधारभूत पूंजी होती है, ये कभी न खत्म होने वाली पूंजी होती है। और इसी पूंजी के सहारे हम अपने जीवन को मेमोरेबल बना सकते हैं, उसको अविस्मरणीय बना सकते हैं, उसको यादगार बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये अद्भुत क्षण है दोस्तों आज का। सर आज साथियों में बहुत उत्साह है, उमंग है, तरंग है और एक अजब सरंग है। मैं तो बोलूँगा सभी साथियों का, सबसे बड़ी बात है सभी साथियों का एक साथ संग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक उत्साह का जंग है यहाँ पर जी, और ये हमेशा बना रहे इसके लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं। और पूरी SPBT टीम और पूरे फैकल्टी फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस तरह के सीख आज इस दिन में आज लेके जाएंगे और अपने अपने जगह में इसका विस्तार करेंगे, इसको सार्थक करेंगे। क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि पहाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादे चढ़ते हैं और हथियार लड़ाई नहीं लड़ते।
हौसले लड़ते हैं और यही हौसला और उमंग यहाँ से लेके जा रहे हैं। पाटिल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।